हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल अविंद ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे पास भी एक एक्शन कैमरा हो, तो आई होप गॉड ने सुन ली और मेरे पास एक एक्शन कैमरा का डिब्बा यहाँ पे आ गया है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं इस एक्शन कैमरा का रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, और मैं इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसका डिटेल्स सभी आप इसको परचेज़ करें, जो कि जो मैंने एक्शन कैमरा परचेज़ किया है उसके बारे में अच्छे से बता दूंगा, और आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएं तब जाके ये आप कैमरा लें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और इस एक्शन कैमरा को अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसके साथ एक मैंने मेमोरी कार्ड भी परचेज़ किया है, जो कि 32 GB का है, वो सैमसंग का है। वो हमको 400 करीब 30 रुपया पड़ गया उसमें, ठीक है। वो भी इसी के अंदर में आया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके साथ ही साथ उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आप मेमोरी कार्ड लें तो इसी कंपनी का लें, अच्छा कंपनी है। मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो कुछ मैंने इससे थोड़ा सा अनबॉक्सिंग कर दिया था, फिर मैंने सोचा यह अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का आगे का इसका फेस है। फ्रेंड, ये जो कंपनी है नॉइस प्ले स्पेशल एडिशन का, ठीक है। ये वायरलेस रिमोट एंड वाईफाई कंट्रोलर है। इसको आप 30 मीटर वाटरप्रूफ हाउसिंग, मतलब पानी के नीचे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके पीछे है आपको ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा, इसमें क्या क्या है, नहीं है, जितने सारे इसमें फ़ीचर्स है आप इसको देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसमें फ़ीचर है, तो आप इसे देख लेना, आपको पसंद आए तभी इसको परचेज़ कीजिएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बताया हुआ है, वाटरप्रूफ हाउसिंग है इसमें, और क्लिप वन है। इसको हैंडल बार पोल माउंट कर सकते हैं। माउंट वन है, रिमोट है ये, और माउंट टू, माउंट थ्री इसमें क्लिप दिया हुआ है, जिसमें आप बाइक में भी लगा सकते हैं, हेलमेट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सीधे इसको हम ओपन करते हैं। एक साल मेरा इसमें मेहनत लगा है। तो फ्रेंड, मैं ये बता दूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है यूट्यूब से, ये मैंने अपना पॉकेट मनी से ख़रीदा है इसे। तो फ्रेंड, ये देख लीजिए, ये रहा, ये है एक्शन कैमरा। बहुत बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, अच्छा है बहुत। ये देखिए, ये इसका डिस्प्ले है, और ये कैमरा आगे का। तो और इसमें देखते हैं क्या क्या है, इसको साइड में रखते हैं अभी 2 मिनट के लिए। तो इसमें कौन कौन सा क्लिप है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यह इस तरह का है क्लिप, 1 फुट है। ये इसमें बेल्ट दिया हुआ है, आप इसका ये जो वाला रिमोट है इसमें फिट करके आप हैंड में लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार बेल्ट मिलेगा, मैं भी इसको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे इसमें लगेगा। ये है, और फ्रेंड ये जो है आप बाइक के हैंडल में या फिर साइकिल के हैंडल में भी लगा सकते हैं ये वाला क्लिप। और ये वाला हेलमेट में लगेगा फ्रेंड, बाइक में भी ऐसे करके लगा सकते हैं सीधा। ये भी क्लिप दिया हुआ है इसके साथ। ये भी है, ये शायद इसके लिए है। और ये टेप है 3mm का, और ये स्क्रू टाइप का दिया हुआ है टाइट करने के लिए। और ये डाटा केबल जो कि इसको चार्ज करने के लिए, और ये इसका ये क्लोज जो दिया हुआ है इसका डिस्प्ले साफ करने के लिए है। ये बुकलेट है, आप इसको पढ़ के आप इसके फीचर को अच्छी तरह से जान सकते हैं।
और इसमें लिखा हुआ थैंक यू, यू होप यू लव योर नॉइस प्रोडक्ट एंड यूज इट ऑल द टाइम। तो इसको साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड ये आप लोग ने जान लिया, ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये भी टेप दिया हुआ है, अपने फिटिंग के अनुसार आपको किस तरह का बेल्ट लगाना है, ठीक है। तो ये वाला इसमें फिट हो जाएगा, मैं एक बार चेक करता हूँ कि कैसा है। ये देखिए, ये जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है वो कैमरा के लिए है, और ये जो हल्का वाइट है ये है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। आप इसको प्रेस करेंगे, वाइट जो है उससे वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगेगा, और जो ये रेड है बटन है इसको आप क्लिक करते हैं तो कैमरा ऑन हो जाएगा और इससे फ़ोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, इसको इस तरह से हैंड में से लगा लेना है, ठीक है। इसको इस तरह से हैंड में लगा लेना है और यहीं से कंट्रोल अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है खास चीज़, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोलर भी है ये कैमरा। तो फ्रेंड अब आते हैं इस कैमरा में, एक्शन कैमरा में, इसको ओपन करते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से सामने का फेस, ठीक है, और ये बैक साइड का है, इसमें 2 इंचेस साइड डिस्प्ले है, और यहाँ पे बटन ऑपरेट करने के लिए है, ये है ओके क्लिक करने के लिए, और ये है पावर मोड जिसको आप कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये लेंस है सामने का, यहीं से रिकॉर्ड होगा, और इसके अंदर बैटरी लगा हुआ होता है, और ये फ्रेंड इसमें एक मेमोरी कार्ड लगेगा, ठीक है, और ये चार्जर बैटरी चार्ज करने के लिए है, और ये माइक अडेप्टर का है, ये वाला जो माइक अडेप्टर का है, और ये बैटरी चार्ज करने का है डाटा केबल से, इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा गुड लुकिंग है, मुझे तो ये कैमरा बहुत अच्छा लगा, ठीक है, नॉइस प्ले से है, अच्छा है। अब इसको हम इसको बैटरी ओपन करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये निकल गया, ये रहा ये बैटरी, कुछ इतना छोटा है। इसमें बता दें मेड इन चाइना का ये बैटरी है, आयोन बैटरी है, 4K है, और इसमें और क्या है। और फ्रेंड ये करीब 2 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप है, 2 घंटे के आसपास, ठीक है। अब इसमें मैं लगा देता हूँ, जैसे था ये मैंने इंसर्ट कर दिया है, और ये मैंने इसको ये लगा दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये कैमरा। अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो ये इसका बॉक्स का प्राइस है 6,999, बट ये ऑफ़र में था तो मुझे पड़ गया ये 3,999 रुपया। ये प्रोडक्ट का मुझे पड़ा है, एक्शन कैमरा का मुझे पड़ा है। तो फ्रेंड आई होप इसके बारे में मैंने लगभग बाहर से ही सारा डिटेल्स दे दिया है, और बाकी मैं इसको यूज़ करने के बाद ही इसका बता पाऊँगा आपको कि कैसा है इसका, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। यह है सैमसंग का 32 GB का मेमोरी कार्ड, जो कि मैंने इसे अलग से परचेज़ किया था पर्सनली इसी के लिए। तो फ्रेंड अब इसको हम ऑन करते हैं, देखते हैं सामने का इसका फेस कैसा है। ये वाला है साइड। तो फ्रेंड ये
ऑन हो गया है। तो ये देखिए पिक्चर क्वालिटी इसका। तो ये ब्लू इसलिए दिया हुआ है साइड में क्योंकि आप जब इसको हेलमेट में लगाओगे तो इसको साइड से आपसे पता चल जाएगा कि ये ऑन है। ठीक, तो फ्रेंड मैंने अब इसे ऑफ़ कर दिया है, अब इसको यूज़ करके देखेंगे कि कैसा वीडियो आता है। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं ये मेमोरी कार्ड इस एक्शन कैमरा में लगाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब जो रिकॉर्डिंग होगा फ्रेंड, जो मैं सामने से बोलूँगा इस कैमरा में, वो इसी इस कैमरा से है वीडियो रहेगा। ठीक है, अगला वीडियो जो आगे का रहेगा मैं बता दूँगा कहाँ से। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करते हैं इस मेमोरी कार्ड को। सैमसंग का 32 GB मेमोरी कार्ड, ये 430 रुपये का है। तो फ्रेंड मैं ये कार्ड इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ये लग गया। TF कार्ड फाइल सिस्टम फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं इसे रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ। तो फ्रेंड मैं इसे कुछ सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, ये कैसे ऑपरेट होगा। ये तो आगे का इंटरकॉम है, तो ये कैसे मतलब ऑपरेट होगा, कैसे आपको वीडियो में करना है, कैसे आपको कैमरा में करना है, कैसे सेटिंग करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड आपको अगर सेटिंग में जाना है, मतलब मान लीजिए अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है, तो आपको मान लीजिए कैमरा करना है। ठीक है, तो ये पीछे का जो बैक मोड वाला कैमरा, इसी सारा कुछ होगा। इसी को टिपेंगे, इसी को आप प्रेस करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, वीडियो का ऑप्शन आएगा, इसी को प्रेस करेंगे तो कैमरा सेटिंग सारा कुछ इसी पर ऑपरेट। एक बार क्लिक करेंगे, देखिए अब मैं आपके सामने एक बार इसको प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये आ गया 12 MP पर कैमरा का आ गया। तो कैमरा पर क्लिक करेंगे, देखिए कैमरा क्लिक हो जाएगा, ये देखिए कैमरा क्लिक हो गया। तो आपको इसको ये फिर प्रेस करेंगे पीछे बैक में, तो ये आपका नाइट मोड में लगभग आ जाएगा, मतलब फास्ट में अगर रनिंग करते हैं तो उस पर आ जाएगा। फिर आप प्रेस करते हैं तो आप जो पिक्चर क्लिक किए हैं वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए सेटिंग आ गया। ठीक है, सेटिंग का बटन आ गया, तब इसको ओके वाला क्लिक करेंगे तो ये देखिए वीडियो का ऑप्शन आ गया। और फिर इसको क्लिक करते हैं तो कैमरा पे आ गया, ये देखिए ये सेटिंग पे आ गया। ये भी लैंग्वेज सेटिंग, डेट सेटिंग, फॉर्मेट वगैरह मारने का है और रीसेट वगैरह करने का है तो यहाँ से हो जाएगा। फिर ये क्लोज़ का बटन, अगर आप यहाँ पे क्लोज़ करना है तो इसके ऊपर वाला बटन कर देंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, और ये ओके क्लोज़ हो गया। फिर से आपको जाना है तो ये मोड वाला बटन टिपेंगे, प्रेस करेंगे तो ये कैमरा आ गया। ये फिर ये नाइट मोड मतलब हो गया, मतलब अगर रनिंग कर रहे हैं तो उस पर आप ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आपका जो पिक्चर क्लिक किए थे या वीडियो किए थे, ये देखिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया था तो मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए देखिए कुछ इस तरह से है ऑपरेट होता है। इसको मैं स्टॉप करके बैक हो जाता हूँ, तो फिर इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग आ जाएगा। ओके करूँगा तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग, आप नीचे में रिकॉर्डिंग साउंड ओके है कि नहीं चेक कर लीजिएगा। टाइम लैप्स क्लोज है, अभी लूप रिकॉर्डिंग है, स्लो मोशन है। तो उसके बाद फिर आप ये मोड वाला बटन टिपेंगे तो कैमरा में आ जाएगा, उसका रेजोल्यूशन चेक कर लेना है, 12 MP टाइमिंग क्या ऑफ है, ऑन है, ड्रामा शूट है। तो आप इसी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, वाइड बैलेंस, वाईफाई, इमेज रेस्ट, रेट्रेशन, ड्राइविंग मोड, ये सब है। LED इंडिकेटर ऑन है कि नहीं है, और ऑटो शट डाउन है। ठीक है, तो आप इसको फिर प्रेस करेंगे, सेटिंग आ जाएगा वही। फिर क्लोज़ करना है तो ओके वाला बटन कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। तो बस इतना ही फंक्शन है, और इसमें कुछ फंक्शन नहीं है।
उम्मीद है मैंने आपको सारा मतलब इस एक्शन कैमरा के बारे में बता दिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके दिखा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये कैमरा भी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो कैमरा एक नंबर है और बाकी आपकी इच्छा, अगर परचेज करना चाहे तो खरीद सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं फ्रेंड, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, बाय।